जी हाँ दोस्तों, नमस्कार आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन परिवार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे रीट परीक्षा को लेकर अब बेरोजगार का बेहाल हो चुका है। अब न होता इंतजार, अब न होता और इंतजार, रीट से बेहाल हुआ बेरोजगार। अब तो गहलोत जी शर्म करो, अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करो। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त संतोष कुशवाहा। तो दोस्तों, काफ़ी समय हो चुका है इस रीट के चक्कर में, 4-5 साल तैयारी करते करते परेशान हो चुके हैं। इसके एक नहीं दो दो पर दो दो तीन तीन परीक्षाएं दे चुके हैं। 2021 में दी, अच्छे अंक प्राप्त किए, उसको रद्द कर दिया गया। उसके बाद फिर से रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा पात्रता परीक्षा दी, वो भी पास की, और अंत में आकर एक रीट भर्ती परीक्षा दी, जिसके कारण बहुत परेशान हो चुका है एक बेरोजगार। 4-5 साल लगातार मेहनत करता है और फिर कहा जाता है अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो परिणाम जो है वो अप्रैल के लास्ट वीक तक जारी कर दिया जाता है। इंतजार करते करते बेरोजगार उस अप्रैल के महीने को भी निकाल देते हैं कि अप्रैल के अंत तक हमारा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। लेकिन देखना यह है कि गहलोत सरकार अभी भी बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं सोच रही है, उनको और इंतजार करवा रही है, क्योंकि काफ़ी समय से इंतजार करते करते बेरोजगार है, बेहाल हो चुका है, एक तरह से पागल हो चुका है। उसको ये नहीं पता है मुझे अब क्या करना है क्या नहीं करना है, उसे आगे का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। गहलोत जी से मैं विनती करूँगा कि जल्दी से जल्दी अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करें, जिससे कि इन बेरोजगारों को थोड़े राहत मिल सके, क्योंकि ये 4-5 साल से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते करते ये परेशान हो चुके हैं। इतने परेशान हो चुके हैं कि इनको खुद का हाल पता नहीं है, क्योंकि ये खुद इतने परेशान हो चुके हैं कि अपने बारे में भी सब कुछ भूल चुके हैं। इनको सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है, वो रीट, क्योंकि इस रीट ने इनको इतना पागल कर दिया है कि इनको और कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए CM अशोक गहलोत जी से मैंने निवेदन करूँगा कि जल्द से जल्द आप अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करें, जिससे इनको राहत मिल सके। अगर इनका सिलेक्शन होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है फिर भी ये आगे का रास्ता तो देख लेंगे। कम से कम इनको क्लियर तो पता चलेगा कि हमें अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी जो है अब देखी जाए असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो मैं बेरोजगार भाइयों से भी बात करना चाहूँगा, उनसे कहना चाहूँगा कि आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से या अपने कि जिस तरह से आप किसी भी तरह से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्द से जल्द जारी करवाने के लिए अपनी आवाज़ उठाएं, अपना अधिकार है, क्योंकि आवाज़ उठाना, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम तैयारी करते करते परेशान हो चुके हैं। अब इंतज़ार नहीं होता है, अब इंतज़ार इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम परेशान ज़्यादा हो चुके हैं। हम सभी को मांग करनी चाहिए कि जल्द से जल्द अध्यापक भर्ती का परिणाम जारी किया जाए। हम सब सोशल मीडिया पर वैसे फालतू का टाइम पास कर लेते हैं, तो क्यों ना उसको सदुपयोग किया जाए और गहलोत सरकार से मांग की जाए क्योंकि अध्यापक भर्ती परीक्षा का जल्द से जल्द परिणाम जारी किया जाए। अगर जल्द से जल्द परिणाम जारी नहीं किया जाता है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, बेरोजगार सड़कों पर उतर जाएंगे सरकार के खिलाफ, और सरकार सोच ले अगर अपना हित चाहती है तो जल्द से जल्द थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करें। बस इतना ही कहना चाहूँगा, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।